निशा रावल और करण मेहरा की अनबन जारी है। करण और निशा के इस झगड़े में अब तक कई सेलिब्रिटीज के रिएक्शन सामने आ चुके हैं, लेकिन हाल ही में करण ने निशा पर एक संगीन आरोप लगाया था। एक्टर का कहना है कि निशा रावल का उनके राखी ब्रदर के साथ अफेयर है। अब इस बारे में निशा के खास दोस्त रह चुके एक्टर और सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा का बयान सामने आया है। रोहित वर्मा निशा और करण के बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि करण ने निशा के साथ मारपीट की है तो उन्होंने एक्ट्रेस का सपोर्ट किया था। हालांकि अब रोहित और निशा की बातचीत बंद है। करण ने रोहित पर जहां मानहानि का केस दर्ज कराया है, वहीं निशा रावल रोहित से नाराज हैं। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में रोहित ने निशा रावल को लेकर कई खुलासे किए हैं। रोहित वर्मा ने कहा, मैं निशा और करण एक परिवार की तरह हैं। जर्नी चल रही थी, लेकिन 2014 में उनकी शादी में दिक्कत आई और मैंने उनकी शादी को बचा लिया और करण को समझा दिया कि वो कहाँ गलत है। लेकिन निशा उस तरह की व्यक्ति है जो प्यार के लिए भूखी है। वो एक टूटे हुए परिवार से आई है और उन्हें अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला। निशा के सभी एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनका सफर देखा है। वो कितनी समझदार लड़की है और उनकी जुबान में सरस्वती है। वो किसी को भी मना सकती है। यही उनका प्लस पॉइंट है, यही उनकी USP है। रोहित वर्मा ने बताया कि जब उन्हें निशा की गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इस बात को जाहिर भी किया। रोहित ने कहा, वो इतनी बुरी इंसान नहीं है, लेकिन जब आप अपने दोस्त के साथ खड़े होते हैं और आपका दोस्त गलत रास्ते पर चला जाता है तो आपको उन्हें बताना पड़ता है। मैं कृष्ण की तरह हूँ और अगर मुझे 1% भी कुछ गलत लगता है तो मैं बताता हूँ। उसके बाद से ही उनकी बातचीत बंद है। रोहित ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने ही निशा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिया था। वहीं करण मेहरा ने निशा रावल और रोहित सेठिया के बीच रिलेशनशिप का आरोप लगाया है। इस बीच सभी जो निशा के साथ थे वो अब उनसे अलग हो गए हैं। रोहित वर्मा भी उन्हीं में से एक है। जब रोहित से पूछा गया कि निशा के खिलाफ जाने के पीछे उनकी क्या वजह है, तब उन्होंने कहा, सब कुछ बहुत ओपन है, मैं बहुत मॉडर्न इंसान हूँ, मैं किसी के लिए भावनाएं विकसित करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किसी को भी अपनी हद भूलनी नहीं चाहिए। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।